इंदौर के सावेर उपचुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को नेहरू स्टेडियम में सुरक्षित रखा गया है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा है कि स्ट्रांग रूम के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम के मुख्य द्वार से लेकर सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। उधर वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम जानते हैं कि आगामी 10 तारीख को मतगणना तय की गई है और उस मतगणना के दिन पूरी तरह से अचूक व्यवस्था हो, अभेद्य व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से निष्कंटक हो, पूरी तरीके से प्रभावी हो, इसके लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जहाँ CAPF की एक टुकड़ी लगाई गई है, CAPF की टुकड़ी पूरी तरह से जो स्ट्रांग रूम है उसके पास में लगाई गई है। उसके बाद दूसरे लेयर में SF की टुकड़ी लगाई गई है और तीसरे लेयर में जिला बल का लगाया गया है। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे लगातार बाहर की तरफ जो स्थानीय अधिकारी हैं, मुख्य तौर पे जो CSP और एडिशनल SP हैं, उनकी भी ड्यूटी है। 24 घंटे एक लगातार अधिकारी जो कि राजपत्रित अधिकारी होंगे, जो DSP और CSP रंग के अधिकारी होंगे, उनको लगातार उनकी ड्यूटी वहाँ पर तय की गई है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है।